अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मटन चाप, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम मटन चाप लिया है। मैंने इसको बहुत अच्छे से वॉश किया है, ये आप देख सकते हैं। और मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 पिंच है फूड कलर, थोड़ा सॉल्ट है, 4 टीस्पून बेसन है, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है, 2 टीस्पून लेमन जूस है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब सबसे पहले हम कुकर में मटन चाप को डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने कुकर में मटन चाप को डाल दिया। अब हम इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमें इसमें पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि ये भी अपना पानी छोड़ता है। इसके बाद हम इसको बंद करके इसमें एक प्रेशर आने देंगे। उसके बाद हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे। ये देखिए, अभी इसमें थोड़ा पानी है, मैंने उसको फुल फ्लेम पर ड्राई किया है, ये आप देख सकते हैं, अब ड्राई हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमें मटन चाप को ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना ये चाप हड्डी से अलग हो जाती है। अब हम यहाँ पर सब स्पाइसेस को एक बाउल में मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसमें लेमन जूस डाल रहे हैं, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा लेमन जूस और डाला है, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। अब ये मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डाल रही हूँ। अब हम इसमें चाप को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से धीरे धीरे। अब हमारी मसाला सब इस पर लग चुका है। ये देखिए, अब हम एक पैन में ऑयल को गर्म करेंगे। ये देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सिर्फ 4 पीस डालेंगे, जिससे कि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए, फ्राई हो चुका है, ये बहुत ही क्रिस्पी है। अब मैंने इसको फॉइल पेपर से रेप कर दिया है नीचे से। ये देखिए, कुछ इस तरह से सभी इस तरह कर लिया। अब आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही क्रिस्पी है ये खाने में, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही लाजवाब है ये, बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको प्लीज़ एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बना कर खाइए।
और मुझे बताइए कि कैसा बना है ये। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।